बॉलीवुड इंडस्ट्री एक बार फिर शोक में डूब गई है। सोमवार की सुबह की शुरुआत बेहद दुखद खबर के साथ हुई। मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। वह मात्र 42 साल के थे। वाजिद खान का निधन चेंबूर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाजिद खान लंबे वक्त से किडनी और हार्ट की परेशानियों से जूझ रहे थे। 2 साल पहले उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी किया गया था। वाजिद खान को गले में इन्फेक्शन की भी शिकायत थी। वह पिछले 2 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। इसी के साथ वह कोविड-19 की चपेट में भी आ गए थे। बताया जा रहा है कि वो पिछले 1 हफ्ते से कोरोना पॉजिटिव थे। उन्होंने रविवार देर रात सुराना सेतिया अस्पताल में आखिरी सांस ली। वाजिद खान के निधन की वजह कोरोना वायरस और हार्ट अटैक बताई जा रही है। वाजिद खान को वर्सोवा के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया है। इसी कब्रिस्तान में 29 अप्रैल को अभिनेता इरफान खान को भी सुपुर्दे खाक किया गया था। वाजिद खान के अंतिम दर्शन की कुछ तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। तस्वीरों में वाजिद खान के भाई साजिद खान नजर आ रहे हैं। भाई को खोने का गम साजिद के चेहरे और आंखों में साफ दिख रहा है। तस्वीरों में साजिद खान रुआं से दिख रहे हैं और कुछ ऐसा ही हाल वाजिद खान के दोनों बच्चों और पत्नी का है। वाजिद खान की पत्नी का नाम मरियम आसिफ सिद्दीकी है। उनके 2 बच्चे हैं, 1 बेटा और 1 बेटी। एक तस्वीर में मरियम अपने दोनों बच्चों के साथ कब्रिस्तान में आती दिख रही हैं। वाजिद अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करते थे। वाजिद को खोने के गम से उनके दोनों बच्चे टूट गए हैं। दोनों खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। बच्चों को पिता के अंतिम दर्शन करवाने के लिए मरियम ने मुश्किल से खुद को संभाला है और इस दुख की घड़ी में वह अपने बच्चों को भी संभालती दिख रही है। वाजिद खान के निधन के बाद से ही बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। तमाम सेलिब्स सोशल मीडिया पर इंडस्ट्री के चहेते शख्स को खो देने का अपना दुख जाहिर कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, वरुण धवन, रवीना टंडन और कई कलाकारों ने वाजिद खान के निधन पर ट्विटर पर शोक जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।